इस वीडियो में आपको इवर और नेवर में, इवर और नेवर में अंतर बताऊंगा। अंतर यानी कि डिफरेंस। तो इवर मीन्स होता है कभी, इवर मीन्स कभी, और नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो इवर मीन्स होता है कभी और नेवर मीन्स कभी नहीं। तो जैसे हमने लिखा पहला सेंटेंस, वह कभी शराब नहीं पीता है, वह कभी शराब नहीं पीता है। दूसरा लिखा हमने, वह शराब कभी नहीं पीता है। पहला सेंटेंस लिखा वह कभी शराब नहीं पीता है, इसमें लिखा है वह शराब कभी नहीं पीता है। तो दोनों का हिंदी में मतलब सोच निकालो, दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन इसमें लिखा है कभी नहीं, एक साथ लिखा हुआ है। इसमें कभी लिखा है फिर थोड़ा जगह छोड़ के नहीं लिखा हुआ है। तो जब एक साथ कभी नहीं लिखा होगा उसके लिए लिखना है नेवर, और जब कभी अलग लिखा होगा तो इवर लिखना, नहीं की इंग्लिश अलग लिखनी है, बस ये अंतर है दोनों में। ठीक, तो कभी शराब नहीं पीता इसकी इंग्लिश दूसरी होगी, और कभी नहीं शराब पीता इसकी इंग्लिश दूसरी होगी, बस ये अंतर है इवर और नेवर में। तो इसको बनाना है पहले, तो इसमें देखो कभी अलग लिखा है नहीं अलग, तो कभी की इंग्लिश अलग लिखेंगे, नेवर सॉरी नहीं की अलग। तो ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो ही के साथ क्या था, डज नॉट, निगेटिव है नहीं लिखा, तो ही डज नॉट। शराब पीना को बोलते हैं ड्रिंक, शराब पीना को ड्रिंक, तो ड्रिंक बोलने तो पीना, ड्रिंक बोलने तो शराब पीना भी, दोनों एक ही है, तो ही डज नॉट ड्रिंक। ठीक, एवर, ही डज नॉट ड्रिंक एवर, यानी वह कभी शराब नहीं पीता। इसमें लिखा है वह शराब कभी नहीं पीता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही नेवर, ही नेवर ड्रिंक्स, ही नेवर ड्रिंक्स, बस हो गया, ही नेवर ड्रिंक्स, वह शराब कभी नहीं पीता है। ठीक, तो ही नेवर ड्रिंक्स और ये है कभी नहीं, और ये भी है कभी नहीं, तो दोनों में ये अंतर है, लिख लो भैया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक।